ये देखिए गाइस, हमारे हुसैन भाई खाना बना रहे हैं। ये दोनों हुसैन भाई हैं हमारे, तो आज हम बिरयानी पका क्या पका रहे बिरयानी तो आज हम बिरयानी पका रहे हैं। आज ये बिरयानी का ब्लॉग है, आप देखिए कैसे बिरयानी बनाते हैं। कितने किलो? 20 किलो बिरयानी। अभी ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। ये देखिए गाइस, यहाँ पर चिकन है और ये टमाटे और ये धनिया, हरा धनिया, ये अदरक लहसुन, ये मसाले, बस कर प्याज कर लेता बाद में ले मसाले तो भाई अभी हम प्याज को अच्छी तरह गर्म कर रहे हैं। तो आप देखिए, अब थोड़े हमने पहले ही अदरक लहसुन पेस्ट डाला था, जिंजर पेस्ट, तो इसमें जिंजर पेस्ट हम डालेंगे 250 ग्राम, पाव किलो हम जिंजर पेस्ट में डालेंगे। तो भाई अब वीडियो को इस्तेमाल करें, 25 किलोग्राम 25 kg बिरयानी किस तरीके से दिखती है, अगर आप पूरा देखें वीडियो, सिर्फ छोटा सा वीडियो है, 10-12 मिनट का वीडियो है। वीडियो को ना करें, वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करें, तो आप एंड तक वीडियो को जरूर देखें। तो भाई हम डालेंगे इसमें टमाटर, और भाई ये टमाटर है 1.5 किलो टमाटर है, 1500 ग्राम, और ये हरा धनिया 1 किलो का माप का डब्बा है, क्या चावल माप से ये हरा धनिया डाला है भाई हमने। अच्छे से मिक्स करेंगे, तो अभी थोड़ी इसी हरी मिर्च हमने अच्छी डाल दी है, थोड़ा ये टेस्ट अच्छा आएगा भाई। आप डाल दें तो आप बिरयानी का टेस्ट अच्छा आएगा। ये देखिएगा अभी हम चिकन डाल रहे हैं इसमें, तो गाइस अभी हम चिकन इसमें डाल रहे हैं, हमने अभी चिकन डाल लिया है। ये चिकन है 15 किलोग्राम चिकन है, ये चिकन हमने 15 किलो चिकन डाल है, और इसमें हम डालेंगे 25 kg चावल। तो गाइस आप वीडियो एंड तक बने रहे, हम भी एंड तक वीडियो में बने रहेंगे गाइस आपके साथ साथ। बड़ी मेहनत से हमने इस वीडियो को बनाया, और ये जो बन रहा है बिरयानी, अभी ये दावत के लिए बनाया जा रहा है गाइस, तो रमजान भी है, घर पर दावत भी है, तो इसलिए हम बिरयानी तैयार की जा रही है गाइस। तो आप जरूर अभी हमने पानी डाल दिया गाइस, अभी हम इसमें पानी डालेंगे, तो 2 घड़े से थोड़ा सा हम पानी कम डालेंगे। अभी हम नमक डाल रहे हैं गाइस, तो चलिए गाइस अभी हम नमक डालते हैं। नमक हमें लेना है 25 किलो के लिए, 250 ग्राम हमको नमक लेना है गाइस। आप अपने स्वाद अनुसार भी आप नमक ले सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगता है, जितना अच्छा लगता है नमक, ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा, या कम खाना आप नमक डाल सकते हैं। तो हमने डाला है 250 ग्राम नमक, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो गाइस अब हम चावल को धोएंगे अच्छे से, चावल को धोएंगे। ये देखिए अदन जो है इतना ज़बरदस्त आग लगी है, और अदन बहुत बेहतरीन आ रहा है,
अभी हम चावल को धोएंगे, फिर इसमें हम चावल डाल देंगे और उसको जो है पकने के लिए 10 से 15 मिनट तक छोड़ देंगे। तो गाइस आप एंड तक ज़रूर बने रहिए और मैं जो है एंड तक सारा प्रोसेस बिरयानी का बताता रहूँगा। ये देखिए गाइस हम चावल धो रहे हैं अभी। तो अभी हमने चावल को धो लिया है अच्छे से, तो अभी हम इसमें चावल डाल रहे हैं। ये देखिए गाइस तो हम अभी चावल डाल रहे हैं। तो अभी हमने चावल डाल दिया है, फिर अभी हम इसे अच्छे से मिक्सर कर देंगे, मिक्सर करेंगे इसे अच्छे से। आप एंड तक ज़रूर बने रहिए गाइस, छोटा सा बिरयानी का वीडियो है ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। डेली व्लॉग्स आते रहेंगे और ऐसे ही हम पकवान के व्लॉग्स भी शॉर्ट व्लॉग डालते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और विज़िट कीजिए हमारे इस चैनल पे। और इंशाल्लाह हम जो है बुज़ुर्गों के भी, औलिया अल्लाह के भी, सूफियों के भी हम वीडियो व्लॉग्स डालते हैं और इंशाल्लाह मैं भी खुद के भी व्लॉग बनाने वाला हूँ, जो है डेली व्लॉग मेरे भी आएँगे। तो आप चैनल को ज़रूर विज़िट करें, सब्सक्राइब करें, एक लाइक ज़रूर करें, सपोर्ट करें हमको। देखिए गाइस अभी हम अच्छे से इसे मिलाएंगे ताकि चावल और चिकन अच्छे से मिल जाए और सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाए। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में बिरयानी बनाने के तो गाइस हमने इसमें पानी डाला है, दो घड़े से थोड़ा सा कम हमने पानी डाला है। आप अगर चावल नरम खाते हैं, मुलायम चावल खाते हैं, तो आप दो घड़े पानी डाल सकते हैं। दो घड़े पानी डालने से थोड़ा चावल नरम हो जाएगा। तो गाइस हमने डाला है डेढ़ घड़े से थोड़ा ऊपर हमने पानी इसमें डाला है। तो आप देखिए हमारी बिरयानी कैसे बनती है। अगर मोबाइल में से डालना होता तो मैं आपको खिला भी देता, सिर्फ आप देखिए कि हमने बिरयानी किस तरीके से बनाई है और हम टेस्ट करके भी इसे देखेंगे। तो देखिए गाइस अभी हम चावल को और चिकन को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाएंगे तो बिरयानी का टेस्ट भी ज़बरदस्त आएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं बहुत मेहनत लगती है गाइस इसमें बनाने के लिए, 25 केजी कम नहीं होता, बहुत ताकत से हमको ऐसा घुमाना पड़ता है गाइस। तो गाइस ये देखिए हम मसाला डाल रहे हैं, ये दो तरीके के मसाले हैं अभी, चिकन मसाला और जो है शाजिरा जो है गरम मसाला बोलते हैं वो मसाला हम डाल रहे हैं, और थोड़ा सा टेस्टिंग मसाला और गरम मसाला इसमें हम डाल रहे हैं। और इस डालने के बाद हम इसको अच्छे से घुमाएंगे, मिक्स करेंगे और फिर से पकने के लिए छोड़ देंगे, 10-15 मिनट हम छोड़ देंगे गाइस। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए गाइस, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, वीडियो को स्किप ना करके देखें गाइस। अभी हम इसमें चावल डाल देंगे। चलिए अभी हम चावल डाल दिया है हमने और ये कुछ चावल बचे थे हमने डाल दिया है, सब कुछ मिक्सर हो गया है। लंबे से शुगर
बस है।